सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। जब बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप से एक रॉकेट आज चंद्रयान 2 को लेकर अपनी यात्रा शुरू करेगा तो ये भारत के अंतरिक्ष में बढ़ती महत्वाकांक्षा को भी चांद के पार ले जाएगा। भारत का चांद पर ये दूसरा मिशन है। भारत चांद पर तब अपना मिशन भेज रहा है जब अपोलो 11 की चांद मिशन की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। भारत का चंद्रयान 2 चांद के अपरिचित दक्षिणी ध्रुव पर सितंबर के पहले हफ्ते में लैंड करेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद का ये इलाका काफी जटिल है। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ पानी और जीवाश्म मिल सकते हैं। मुंबई स्थित थिंक टैंक गेटवे हाउस में स्पेस एंड ओशन स्टडीज प्रोग्राम के एक रिसर्चर चैतन्य गिरी ने वॉशिंगटन पोस्ट से कहा है, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कोई अंतरिक्ष यान पहली बार उतरेगा। इस मिशन में लैंडर का नाम विक्रम दिया गया है और रोवर का नाम प्रज्ञान है। विक्रम भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम के पहले प्रमुख के नाम पर रखा गया है। लैंडर वो है जिसके जरिए चंद्रयान पहुंचेगा और रोवर का मतलब उस वाहन से है जो चांद पर पहुंचने के बाद वहां की चीजों को समझेगा, मतलब लैंडर रोवर को लेकर पहुंचेगा। इसरो का कहना है कि अगर यह मिशन सफल होता है तो चंद्रमा के बारे में समझ बढ़ेगी और यह भारत के साथ पूरी मानवता के हक में होगा। इसरो प्रमुख के सीवन ने एक अखबार से कहा है कि विक्रम के लिए लैंड करते वक्त 15 मिनट का वो वक्त काफी जटिल है और इतने जटिल मिशन को कभी अंजाम तक इसरो ने नहीं पहुंचाया है। भारत ने इससे पहले चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च किया था। यह भी चांद पर पानी की खोज में निकला था। भारत ने 1960 के दशक में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू किया था और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे में यह काफी ऊपर है। 2022 तक भारत चांद पर किसी अंतरिक्ष यात्री को भेजने की योजना पर काम कर रहा है। अंतरिक्ष विज्ञान पर किताब लिखने वाले मार्क विटिंगटन ने एक चैनल से बातचीत में कहा है, भारत ने फैसले लेने शुरू कर दिए हैं और इससे वो अंतरिक्ष में एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभरेगा। भारत को यह एहसास है कि अंतरिक्ष में कई कार्यक्रमों को अब बढ़ाने का वक्त आ गया है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की आलोचना भी होती है कि क्या एक विकासशील देश को देश के संसाधनों को अंतरिक्ष कार्यक्रम पर खर्च करना चाहिए जहां लाखों लोग भूख और गरीबी से जूझ रहे हैं। विक्रम साराभाई को भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम का जनक कहा जाता है और उन्होंने इन आलोचनाओं के जवाब में कहा था, अंतरिक्ष प्रोग्राम का देश और लोगों की बेहतरी में सार्थक योगदान है। भारत को चाहिए कि समाज और लोगों की समस्या को सुलझाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करें। भारत के पहले मार्स सैटेलाइट की लागत स्पेस विज्ञान पर बनी फिल्म ग्रेविटी से भी कम थी। चंद्रयान 2 की लागत $14.1 करोड़ है जो कि अमेरिका के अपोलो प्रोग्राम की लागत $25 अरब से कम है। चंद्रयान 2 भारत की चांद की सतह पर उतरने की पहली कोशिश है। इससे पहले यह काम रूस, अमेरिका और चीन कर चुका है। 4 टन के इस अंतरिक्ष यान में एक लूनर ऑर्बिट है, इसके साथ ही एक लैंडर और एक रोवर है। चांद को लेकर दुनिया भर में खोज जारी है। चंद्रयान 1 जब 2008 में लॉन्च किया गया था तो उसने इस बात की पुष्टि की थी कि चांद पर पानी है, लेकिन चांद की सतह पर नहीं उतर पाया था। चंद्रयान 2 के बाद भारत 2022 में चांद पर किसी अंतरिक्ष यात्री को भेजने की योजना पर काम कर रहा है। इसरो ने चंद्रयान 2 पर कहा है, हम वहां की चट्टानों को देखकर उनमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और लोहे जैसे खनिज तत्वों को खोजने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही वहां पानी होने के संकेतों की भी तलाश करेंगे और चांद की बाहरी परत की भी जांच करेंगे। चंद्रयान 2 के हिस्से ऑर्बिटर और लैंडर पृथ्वी से सीधे संपर्क करेंगे, लेकिन रोवर सीधे संवाद नहीं कर पाएगा। ये 10 साल में चांद पर जाने वाला भारत का दूसरा मिशन है। चंद्रयान 1 चंद्रमा पर जाने वाला भारत का पहला मिशन था। ये मिशन लगभग एक साल यानी कि अक्टूबर 2008 से सितंबर 2009 तक था। चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अंतरिक्ष में भेजा गया था। यह 8 नवंबर 2008 को चंद्रमा पर पहुंच गया था। इस चंद्रयान ने चंद्रमा की कक्षा में 312 दिन बिताए थे। तत्कालीन इसरो के चेयरमैन जी माधवन नायर ने चंद्रयान मिशन पर संतोष जताया था। उन्होंने बताया था कि चंद्रयान को चंद्रमा के कक्ष में जाना था, कुछ मशीनरी स्थापित करनी थी, भारत का झंडा लगाना था और आंकड़े भेजने थे, और चंद्रयान ने इसमें से सारे काम लगभग पूरे कर लिए हैं।
चंद्रयान 1 की खोजों को आगे बढ़ाने के लिए चंद्रयान 2 को भेजा जा रहा है। चंद्रयान 1 के खोजे गए पानी के अणुओं के साक्ष्यों के बाद आगे चांद की सतह पर सतह के नीचे और बाहरी वातावरण में पानी के अणुओं के वितरण की सीमा का अध्ययन करने की जरूरत है। दोस्तों, अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज़ की रिपोर्ट, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।